नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। समस्त हम मालों ने अपनी मजदूरी के पैसों की मांग को लेकर राहतगढ़ SDM महोदय को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। हम मालों का कहना है कि हम समस्त हम माल राहतगढ़ के निवासी हैं एवं हम सभी के सहकारी समिति सेमरा जिला में 14,000 क्विंटल चौधरी वेयर हाउस में हम मालों से अनाज तुलाई कराकर रखवाया गया व 5,000 क्विंटल तुलाई करके परिवहन की मजदूरी की, जिसकी हम मालों को मजदूरी आज दिनांक तक नहीं मिल सकी है। जबकि हम लोगों ने लॉकडाउन जैसी महामारी के समय में मजदूरी करने पहुंचते थे, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान ना हो, परंतु हम लोगों को गेहूँ की तुलाई की मजदूरी आज दिनांक तक नहीं दी गई, जो कि हम गरीबों के साथ अन्याय है। जबकि हम लोगों की मजदूरी 2,80,000 की हुई थी, जिसमें 18 लोगों की मजदूरी थी, जिसमें 1,00,000 रुपये समिति प्रबंधक ने 23/5/2020 को दिए थे, जबकि शेष राशि 1,80,000 का भुगतान हम लोगों को आज दिनांक तक नहीं किया गया। इस ओर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए, जिससे हम लोगों को मजदूरी के रुपये मिल सके, हमारे साथ अन्याय ना हो, हमें न्याय मिल सके, 7 दिवस के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम गरीब भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। और कोविड-19 में बहुत खराब स्थिति में हम लोगों ने काम करा, किसानों के हित में काम करा, और आज तेईस 5/2020 को दिए थे, जबकि शेष राशि 1,80,000 रुपए का भुगतान हम लोगों को आज दिनांक तक नहीं किया गया है। इस ओर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने की, जिससे हम लोगों को मजदूरी के रूप में मिल सके, हमारे साथ अन्याय ना हो सके, न्याय मिल सके। ये है कि श्रीमान जी आज दिनांक तक 7/10/2020 से 7 दिवस के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कराया जा सके, अन्यथा हम गरीब भूख हड़ताल करने को बंद होंगे, जिससे हम सभी तहसील परिसर के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। हमारी मजदूरी का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, हम लोगों को इस तरह परेशान होना पड़ रहा है। कृपया कर कार्रवाई कराए जाने की कृपा करें सर। और एक बात और है सर, ये हम लोग एक ज्ञापन पहले दे चुके हैं 21/8/2020 को, आप अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान में तुलाई का काम चालू था और पूरा हिंदुस्तान कोविड की चपेट में था, तो हमने ये दिया है कि हमारे जो मजदूरों की राशि है 18 लोगों की, हम लोगों ने काम किया सेमरा जिला के अंदर, जिसके प्रबंधक ने हम लोगों को 1,00,000 रुपए की राशि दी और 1,80,000 रुपए अभी हमें बाकी है लेना। तो ऐसे कोविड में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसानों के हित में और शासन के हित में हमने काम किया और आज दिनांक तक हमको राशि नहीं मिली। तो हमने जो ज्ञापन दिया है कि हमारा भुगतान SDM महोदय जी के माध्यम से कलेक्टर जी को कि हमारा भुगतान करा दें, और अगर हमारा भुगतान नहीं होता है तो 7 दिवस के अंदर हम तहसील परिसर के बाहर हम भूख हड़ताल पर निवासी राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ थाना राहतगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश विषय सहकारी समिति सेमरा जिला में गेहूँ तुलाई की हमालों को मजदूरी दिलवाने बाबत महोदय उपरोक्त तकाम काम का रखवाया गया व 5,000 क्विंटल तुलाई करके परिवहन की मजदूरी की, जिसकी हमालों को मजदूरी आज दिनांक तक नहीं मिल सकती, जबकि हम लोगों ने लॉकडाउन जैसी महामारी में संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों ने गेहूं तुलाई की हमालों के द्वारा काम किया गया था सेमरा जिला सोसाइटी में, जो कि मजदूरी नहीं मिली है, और SDM साहब को 1.5 महीने पहले भी अवगत कराया था कि हमारी मजदूरी दिलाई जाए, लेकिन आज तक को कार्रवाई नहीं की। हमें दोबारा पुनः ज्ञापन देने के रूप में हम आए थे और उसमें हमारी मजदूरी यदि के नहीं मिलती है तो हम 7 दिवस के बाद समस्त 18 हमालों के परिवार के सहित हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे।